हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स एसएसटी का इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हमें दिया है वैश्वीकरण का अर्थ विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। मतलब कि वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को कहते हैं हम वैश्वीकरण। इसके कुछ अंग भी हैं। सबसे पहला है विभिन्न देशों के बीच देश निवेश। निवेश निवेश क्या है वो हम आगे समझेंगे। फिर हमारा वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। फिर हमारा अंतर्देशीय उत्पादन, देश के अंदर के जो उत्पादन होते हैं वो होते हैं अंतर्देशीय उत्पादन। फिर हमारा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। फिर हमारा अंतर्देशीय उत्पादन, अंतर्देशीय उत्पादन में हमें डिफरेंस दिया गया है पहले के जमाने और अब के जमाने में। तो आ जाइए देखते हैं। 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमा के भीतर हुआ करता था, लेकिन अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां उभर रही है। पहले देश की सीमाओं को लांघ कर सिर्फ कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पादन जा सकता था, लेकिन अब इनका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व है। फिर हमारा 20वीं सदी में व्यापार दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था, लेकिन अब उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिलते हैं। इसमें हमने देखा कि 20वीं सदी में देश के भीतर ही उत्पादन होता था, लेकिन अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां उभर रही हैं, देश के बाहर भी उत्पादन होता है। लेकिन पहले हमने देखा कि देश की सीमा को लांघकर सिर्फ कच्चा माल, खाने की चीजें और तैयार उत्पादन ही जा सकता था, लेकिन अब स्वामित्व दूसरे देशों में फैक्ट्रियां बना देते हैं, हेडक्वार्टर्स बना देते हैं और वहाँ पे सामान का बेचते हैं। फिर हमने देखा कि व्यापार पहले के समय में व्यापार दूर के देशों में ज़्यादा अधिक होता था, लेकिन अब आजकल सीधा कंपनी बना देते हैं दूसरे देश में, दूर से ज़्यादा व्यापार नहीं होता। फिर विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो तथा सरकारी नीतियां अनुकूल हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है, जो एक देश से ज़्यादा देशों में जिनकी कंपनियां होती है, वो उसी स्थान पर अपना उत्पादन इकाई स्थापित करके फैक्ट्रियां लगाती है जहां से बाजार नज़दीक हो, बाजार के अगल बगल में हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम मिल जाए, मजदूरी कम हो जहां की, और सरकारी नीतियां अनुकूल हो, सरकारी नीतियां हो जहां पर। इनके द्वारा निवेश किए गए धन को विदेशी निवेश कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है उनके द्वारा निवेश किए गए धन को विदेशी निवेश कहा जाता है। फिर हमारा कभी कभी इन देशों को स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। कभी कभी ये इन देशों की स्थानीय कंपनियां भी उनके साथ गठबंधन कर लेती है और उनके साथ मिलकर उत्पादन करती है। स्थानीय कंपनियों को अतिरिक्त निवेश के लिए धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रदान करता है। स्थानीय कंपनियां जो है अतिरिक्त निवेश के लिए धन तथा उत्पादन की नवीनतम टेक्नोलॉजी प्रदान करता है और धन भी देता है। फिर हमारा कभी कभी स्थानीय कंपनियों को खरीद कर उत्पादन का प्रसार करती है। कभी कभी ये कंपनियां स्थानीय कंपनियों को भी खरीद सकती है, जैसे कि एक भारतीय कंपनी है परक फूड्स, तो उसको एक अमेरिकी कंपनी कारगिल फूड्स ने खरीद लिया। अब फूड्स तो परक फूड्स बनाती है, लेकिन उस पर जो नाम छपा होता है वो कारगिल फूड्स का छपा होता है। फिर हमारे छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। ये जो कंपनियां होती है विश्व भर के बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है, वो छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर भी दे देती है। खासतौर से वस्त्र कपड़ों का ऑर्डर दे देती है, जूते चप्पल के ऑर्डर दे देते हैं, खेल के सामान का ऑर्डर देते हैं। फिर हमारा विदेश व्यापार कैसे बाजार का एकीकरण करता है। विदेश व्यापार उत्पादकों को अपने देश के बाहर के बाजारों में पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। विदेश व्यापार जो है उत्पादकों को अपने देश के बाजार से बाहर के बाजारों में भी पहुंचने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वो लोग और भी चीज़ें बेच पाते हैं। फिर हमारा खरीदारों के समक्ष दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं के आयातों से विकल्पों का विस्तार होता है, और खरीदारों के समक्ष दूसरे देश में जो उत्पादित वस्तु होती है उसके आयात से विकल्पों का भी विस्तार हो जाता है, विकल्प के अवसर बढ़ जाते हैं। फिर हमारा दो देशों के उत्पादन एक दूसरे से दूर होते हुए भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिससे दो बाजारों में एक ही वस्तुओं का सामान्य मूल्य होने लगता है। जैसे कि दो देश एक सेम ही चीज बना रही है, फिर दो दूर दूर के देश है मान लिया हमने, लेकिन वो दोनों एक ही चीज बना लिया, उनका रेट भी सेम है, तो एक ही वस्तु का मूल्य समान होने लग जाता है। फिर
फिर हमारा वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, बहुत सारे कारक हैं ऐसे। सबसे पहले प्रौद्योगिकी और विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी, परिवहन में सुधार, ट्रांसपोर्ट में सुधार, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी। फिर हमारा दूर संचार एवं संचार उपग्रह, रेडियो, टेलीविजन, वो सब। फिर सरकार द्वारा अवरोधों की समाप्ति, अवरोधों को हटा देते हैं, टैक्स विदेश से आने वाले चीज़ों पर टैक्स हटा देते हैं। फिर इंटरनेट, इंटरनेट भी वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक है। फिर हमारा विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार को उदार बनाना है, विदेशी व्यापार को विश्व व्यापार संगठन उदार बनाता है। फिर है विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया है, ये जो विकसित देश हैं उनकी पहल पर ये विश्व व्यापार संगठन शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है ये जो विश्व व्यापार संगठन है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उससे संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। विकासशील देशों का व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश करता है, जो विकासशील देश हो जाते हैं उनको ये व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश कर देता है, टैक्स जो होता है बाहर से आने वाले चीज़ों का टैक्स हटाने के लिए विवश कर देता है। फिर विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है, लेकिन जो विकसित देश होते हैं वो अनुचित ढंग से गलत तरीके से व्यापार अवरोधक टैक्स लगाए हुए हैं, बरकरार रखा है उसे। फिर वैश्वीकरण का प्रभाव, उपभोक्ता के लिए पहले से अधिक विकल्प, उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता, कम कीमत तथा अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर। उपभोक्ता जो होता है, कंज्यूमर जो चीज खरीदने वाले होते हैं, उनके पास अब पहले से अधिक उपयोग है, अधिक चीजें मिलती है बाजारों में, उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता, अच्छी अच्छी गुणवत्ता की मिलती है, अच्छे होते हैं, खराब होते हैं ऐसे, कम कीमत पर भी मिल जाता है, और अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर, और नए नए तरीके के भी होते हैं वो, और उनके लिए वैश्वीकरण के प्रभाव से नए रोजगार के भी अवसर मिल पाए हैं, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चा माल आपूर्ति कराने वाली स्थानीय कंपनी भी समृद्ध हुई है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो छोटी छोटी स्थानीय कंपनियों को ऑर्डर देती है सामानों का, और इससे स्थानीय कंपनियां वो और अधिक समृद्ध हो गई है। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरी है, जो बाकी भारतीय कंपनियां हैं वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी है, जैसे कि टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स इत्यादि। फिर हमारा न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए प्रयास, वैश्वीकरण को न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा, न्याय संगत वैश्वीकरण जो है वो सबके लिए अवसर प्रदान करेगा, सभी के लिए। सरकार की नीतियां सबको संरक्षण प्रदान करने वाली होनी चाहिए, जो सरकार की जो नीतियां होती है वो सबको संरक्षण प्रदान करने वाली होनी चाहिए। फिर हमारा सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। जो फिर सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि जो कानून बनाया गया है श्रमिकों के लिए उसका उचित पालन किया जाए और श्रमिकों को उनके अधिकार मिले, मजदूरों को उनके अधिकार मिले। फिर हमारा सरकार न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते कर सकती है, सरकार जो है वो न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से भी समझौते कर सकती है। समान हित वाले विकासशील देशों में गठबंधन कर सकती है, जो समान हो देश होंगे, समान हित वाले देश विकासशील देश उसमें गठबंधन कर भी कर सकती है। फिर हमारा विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, 1991 के शुरुआत से विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया है। जो 1991 के शुरुआत से उसे में विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश बहुत देशों में लगे हुए थे, लेकिन उन अवरोधों को अब काफ़ी हद तक हटा दिया गया है, और वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जाता है। अब जो है वस्तुओं का आयात निर्यात आसानी से हो जाता है, बड़ी सुगमता से हो जाता है। अब विदेशी कंपनियां आसानी से यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती हैं, जो कई विदेशी कंपनियां होती है वो देशों में अपने कार्यालय और कारखाने आसानी से स्थापित कर सकती है। अब हमें दिया है कुछ याद रखने योग्य बातें। जो बहुराष्ट्रीय सबसे पहले है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। हमारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कंपनियां हैं जो एक देश में तो नियंत्रण रखती है उत्पादन पर, लेकिन उनका नियंत्रण दूसरे देशों में भी है, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण किया वो होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। फिर हमारा वैश्वीकरण अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे कि हमारा देश है, हमने अपने देश के सामानों को देश की अर्थव्यवस्था का संसार के दूसरे देशों में ले गए और वहाँ पे हमने उनको बेचा, तो उनके बीच में सामंजस्य स्थापित किया है हमने, तो उसे कहते हैं वैश्वीकरण। फिर हमारा उदारीकरण जो है सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। जो टैक्स होते हैं
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स बाहर की कंट्रियों से आता है सामान, तो उस टैक्स को अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं। फिर हमारा निवेश, निवेश जो है परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। जो परिसंपत्तियां होती है जैसे भूमि, हमने किसी दूसरे देश में हमने जैसे कहीं पे कोई भूमि खरीदी, कोई भवन खरीदा, मशीन खरीदा, अन्य उपकरण खरीदे, तो उसकी खरीद में खर्च किए गए की गई मुद्रा को हम निवेश कहते हैं। फिर हमारा विदेशी निवेश, विदेशी निवेश जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है एक देश से अधिक देशों में जिनका उत्पादन पर नियंत्रण होता है, वो जो विदेशी कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। तो अन्य एक देश से अधिक देशों में उत्पादन का नियंत्रण करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को ही हम विदेशी निवेश कहते हैं। फिर है हमारा मुक्त व्यापार, जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। जैसे कि दो देश है, उन दोनों देशों के बीच कोई प्रतिबंध नहीं है, बिना किसी प्रतिबंध, कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से कोई भी सामान का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदान प्रदान आयात निर्यात हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं मुक्त व्यापार। फिर हमारा निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती है उनको चरणबद्ध तरीके से आसानी से निजी क्षेत्र में बेचना हमारा निजीकरण कहलाता है। फिर हमारा विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ये विश्व व्यापार संगठन जो है इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, आसान करना है। फिर हमारा विश्व बैंक, विश्व बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। विश्व बैंक जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक कम्युनिटी है जो अपने सदस्यों को, उसमें सदस्य जुड़ते हैं, अपने सदस्य राष्ट्रों को, देशों को वित्तीय सहायता, पैसे की सहायता देने वाली संस्था है विश्व बैंक। फिर हमारा सेज, सेज किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना कहलाता है सेज। सेज जैसे कि कोई विशेष क्षेत्र है उसमें हमने और अधिक सुविधाएं बढ़ा दी और जो विदेशी कंपनियां हैं उनको आकर्षित कर लिया निवेश के लिए, तो ये हमारा सेज कहलाता है। फिर अब हम एक अंक वाले प्रश्न करेंगे। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है क्या कहलाती है? तो हमने इसका ये हमने अभी पढ़ा, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है उसे कहते हैं हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां। फिर हमारा भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? इस मुद्रा को हम निवेश कहते हैं, निवेश, निवेश। फिर हमारा वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। जो अलग अलग विभिन्न देशों होती है उनके बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। फिर हमारा व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण दीजिए। हमने पढ़ा कि व्यापार अवरोधक क्या होता है, व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण दीजिए। व्यापार अवरोधक हमने पढ़ा था कि कोई भी टैक्स होता है, जैसे कि आयात पर कर, हमने किसी देश से कोई सामान आ रहा है तो उस पर हमने टैक्स लगा दिया, तो वो हमारा हो गया आयात पर कर। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? ये हमारी की गई थी 1991 में, भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू किया गया था। फिर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर हम दे देंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें हर अर्थव्यवस्था का एक तरह से मिश्रण है, मिश्रण। फिर हमारा विदेशी व्यापार किनके बीच होता है, विदेशी व्यापार किनके बीच होता है? तो इसका आंसर है, दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है विदेशी व्यापार, जो दो देश या फिर दो से अधिक देशों के बीच विदेशी व्यापार होता है। फिर हमारा किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है मोटर गाड़ियां बनाती है और ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और जो भारत की है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, अमरीकी कंपनी फोर्ड मोटर्स भारत कब आई? तो ये कंपनी आई थी 1995 ईस्वी में, अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स भारत आई। फिर हमारा टेंथ क्वेश्चन, किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ है? तो ये हमने पढ़ा था कि कृषि क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं? तो विदेशी कंपनियां विदेशों में निवेश लाभ कमाने के लिए करती है, अधिक लाभ के लिए। फिर हमारा ट्वेल्थ क्वेश्चन,
वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का क्या परिणाम होगा? वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का क्या परिणाम होगा? तो आओ देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा उत्पादों में पहले से अधिक प्रतियोगिता होगी। जो ज्यादातर कंपनियां होगी वो सेम चीज बनाएगी तो उनमें अधिक प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन बढ़ेगा। फिर हमारा 13th, सरकार द्वारा अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हमने पढ़ा, इसको उदारीकरण और उदारवाद कहते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारवाद और उदारीकरण कहते हैं। फिर है उस भारतीय कंपनी का नाम बताइए जिसने फोर्ड मोटर्स के साथ भारतीय मोटर गाड़ियां उद्योग में साझेदारी की है। तो उसका नाम है महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी जो है उसने फोर्ड मोटर्स के साथ भारत में साझेदारी की थी, साझेदारी की मोटर गाड़ी उद्योग में साझेदारी की है फोर्ड मोटर्स के साथ महिंद्रा मोटर्स ने। फिर हमारा किस भारतीय कंपनी को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने खरीद लिया है? इसका मैंने आपको उदाहरण दिया था, तो वो है पारक फूड्स। पारक फूड्स जो है उसको एक अमेरिकी फूड कंपनी कारगिल फूड्स ने खरीद लिया। फिर हमारा 16th क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसके लिए चुनौती खड़ी कर दी है? तो इन्होंने छोटे उत्पादकों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। कंपटीशन बढ़ गया है तो छोटे उत्पादकों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। फिर हमारा निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधक का उदाहरण है? हमें ऑप्शन दिया है विदेशी निवेश, सामान्य देरी या क्षति, आयात प्रशुल्क, और इनमें से कोई नहीं। व्यापार अवरोधक का उदाहरण दिया है, हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज पे टैक्स होता है व्यापार अवरोधक, तो यहाँ पे है हमारा आयात प्रशुल्क। आयात प्रशुल्क हो जाएगा व्यापार अवरोधक का उदाहरण। फिर है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य बताएं। तो हमने पढ़ा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य है लाभ प्राप्त करना। फिर हमारा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण करने की विधियां दिया है कुछ। सबसे पहले संयुक्त उपकरण विधि, उपकरण विधि, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, छोटे उत्पादकों से माल खरीदना अपने ब्रांड का इस्तेमाल करके। जो सबसे पहला तो है संयुक्त उपकरण विधि, सबको मिला लेता है ये, स्थानीय कंपनियों का खरीद लेता है, छोटे उत्पादकों से माल खरीद लेता है और अपने ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर लेता है। तो ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। फिर हमारा किन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी? सबसे पहला राजकोषीय घाटे में वृद्धि, जो हमारा राजकोष है उसमें घाटा हो गया था आजादी से पहले, तो इसमें वृद्धि हुआ। फिर प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि, प्रतिकूल भुगतान पेमेंट में भी संतुलन, पेमेंट के संतुलन में भी वृद्धि हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, जो विदेश की मुद्राएं थी उसके भंडार में कमी हो गई। कीमतों में वृद्धि, महंगाई बढ़ गई, कीमत बढ़ने लगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कार्य संतोषजनक न होना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो है उनका कार्य संतोषजनक नहीं होता था, कम होता था मतलब। भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, इसका उद्देश्य था भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। अगला हमारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाएं। जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है उसको प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाना है। सबसे पहला है परिवहन तकनीक में कई सुधारों ने दूर दूर के स्थानों पर कम लागत पर वस्तुओं को भेजना संभव बनाया है। सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार से विभिन्न देश आपस में जुड़कर तुरंत सूचना प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यापार में गति आई है। परिवहन तकनीक जो है उसमें कई सुधार ने दूर दूर के स्थानों पर कम लागत पर वस्तुओं को भेजना संभव बनाया है। फिर सूचना प्रौद्योगिकी के अनुसार दूर दूर के देश विभिन्न देश आपस में जुड़कर तुरंत सूचना प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट के जरिए, और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यापार में गति आई है, जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं सारे। फिर हमारा वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा के कुप्रभावों का उल्लेख करो। वैश्वीकरण के कारण कुप्रभाव, प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे उद्योग जैसे बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर आदि के उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, फलस्वरूप काफी इकाइयां बंद हो गई है। जो छोटे उत्पादक हैं, उद्योग हैं जैसे बैटरी बनाने वाले, प्लास्टिक बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले और टायर बनाने वाले, तो उत्पादकों पर इसका वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है और फलस्वरूप इसका परिणाम ये हुआ कि काफी इकाइयां, काफी जो है कंपनियां वो बंद हो गई हैं। फिर हमारा श्रमिकों की बेरोजगारी में वृद्धि, श्रमिकों की छोटे श्रमिक जो है उनकी बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। फिर हमारा श्रमिकों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया, जो श्रमिक होते हैं उनको उनका टाइम फिक्स नहीं होता था, अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता था, श्रमिकों को संरक्षण और लाभ नहीं मिल पा रहा है,
श्रमिकों को जो है संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है सही से, उनको लाभ ज्यादा लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। फिर हमारे श्रमिकों का अधिक घंटों तक काम करना आम बात हो गया है, जो श्रमिकों को अधिक काम करना पड़ता है और वेतन कम ही मिलता है, तो ये आम बात हो गई है एक वैश्वीकरण से। अगला है हमारा, वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। सरकार की भूमिका वैश्वीकरण में, वैश्वीकरण की नई नीति के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न किया गया ताकि पूंजी, तकनीकी ज्ञान और अनुभव का विश्व के विभिन्न देशों से आदान प्रदान हो सके। वैश्वीकरण की जो नई नीति है उसके अनुसार जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न किया गया है ताकि तकनीकी ज्ञान और अनुभव का विश्व के विभिन्न देशों से आदान प्रदान हो सके। हमारे पास जो तकनीकी ज्ञान और अनुभव है वो उनका आदान प्रदान हम विश्व के सभी देशों के साथ कर सकें। फिर दूसरा है, सरकार ने माल के आयात पर से अनेक प्रतिबंध हटा दिए। सरकार जो है उसने माल के आयात पर सभी अवरोधों और प्रतिबंधों को हटा दिया है। आयातित माल, जो माल बाहर से आ रहा है उस पर कर कम कर दिया है, बाहर कंट्री से जो माल आ रहा है उस पर कर कम कर दिया है। फिर हमारा, विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। जो विदेशी निवेशक है उनको भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, इंस्पायर किया गया है उन्हें। फिर तकनीकी क्षेत्र को हर ढंग से उन्नत करने का प्रयास किया गया है। जो तकनीकी क्षेत्र है उनको हर ढंग से उन्नत करने का प्रयत्न किया गया है, उनको बढ़ाने का, उनको उचित तरीके से प्रयास किया गया है। फिर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहला, उपभोक्ताओं के सामने पहले से अधिक विकल्प हो गए हैं। जो सामान खरीदने वाले उनके पास बहुत सारे विकल्प हो गए हैं पहले से। अब उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। कम कीमतों पर भी अच्छी गुणवत्ता बढ़िया चीज़ें उपलब्ध वाले उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। लोग पहले की तुलना में आज उच्चतर जीवन स्तर का मजा ले रहे हैं। जो पहले की तुलना होती थी उससे उच्चतर जीवन स्तर का मजा ले रहे हैं लोग। फिर है हमारा, उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हो गए हैं। जो उद्योग होते हैं उनकी सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हो गए हैं। उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हो गई हैं। जो उद्योगों में कच्चे माल की इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां होती थी वो भी समृद्ध हो चुकी हैं। भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात विदेश व्यापार और विदेशी विनिमय पर अवरोधक क्यों लगाए हैं। जो भारत सरकार है उन्होंने स्वतंत्रता के बाद विदेश व्यापार और विदेशी विनिमय पर अवरोधक क्यों लगाए हैं। विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादों की रक्षा करने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद यहाँ भारतीय उद्योग स्थापित किए गए। उद्योगों के विकास के लिए विदेशी व्यापार पर रोक आवश्यक थी। स्वतंत्रता के बाद भारत 562 टुकड़ों में बटा हुआ था, जहां परिवहन तथा संचार के साधन अस्त व्यस्त थे। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में भारत के वैदेशिक संबंध इतने सुदृढ़ नहीं बन पाए थे कि विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार विकसित हो सके। जो विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों की रक्षा करने के लिए ऐसा किया गया था। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था, अपनी कंपनियां बिठा दी थी। स्वतंत्रता के बाद यहां भारतीय उद्योग स्थापित किए गए, नए नए उद्योग बने। उद्योगों के विकास के लिए विदेशी व्यापार पर रोक आवश्यक था, तो सरकार ने रोक लगा दिया। फिर है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत 562 टुकड़ों में बटा हुआ था, यहाँ परिवहन तथा संचार के साधन अस्त व्यस्त थे, तो उनको बढ़ाने के लिए इन्हीं वजह से अवरोधक लगा दिया था, ताकि क्योंकि परिवहन तथा संचार के साधन नहीं थे तो वस्तुओं का यातायात कैसे हो पाता। फिर हमारा, स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में जो है भारत के वैदेशिक संबंध, विदेशों के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं थे कि विश्व के अन्य देश व्यापार, अन्य देशों के साथ भी व्यापार विकसित हो सके, इसलिए ऐसा कर दिया गया था। उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में कौन कौन से मुख्य परिवर्तन आए हैं। जो उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप में भारत में कौन कौन से मुख्य परिवर्तन आए हैं। उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप निजी निवेश बढ़ने का अधिक अवसर मिला है। विदेशी विनिमय कोष भंडार बढ़ गया है। आईटी उद्योग का विस्तार हुआ है। सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई है। जो उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति है उनको अपनाने के फलस्वरूप हमें निजी निवेश बढ़ाने का अधिक अवसर मिला है। विदेशी विनिमय कोष भंडार बढ़ गया है। हमारा भंडार जो है विदेशी विनिमय कोष भंडार वो बढ़ गया है। आईटी उद्योग का विस्तार हुआ है। आईटी कंपनियों का विस्तार हुआ है, बढ़े हैं वो। और सरकारी राजस्व में वृद्धि, सरकार के जो
राजस्व उनमें भी वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या कार्य हैं, क्या यह वास्तव में अपने कार्यों को पूरा कर रहा है, आइए देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। इसका ये एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड को उदार बनाना, आसान बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना, सभी अवरोध को हटाना ही इसका उद्देश्य है। कार्य, इसका कार्य ये है कि विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। इसका जो मेन काम है, ये विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करना है और यह देखना है कि इन नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। और वास्तविकता ये है कि ये विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। जो विकसित देश है उन्होंने गलत तरीकों से व्यापार अवरोधों को तो बनाए रखा है, लेकिन दूसरी ओर जो है विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों को व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। जो विकासशील देश है, जो विकसित नहीं है, उनको व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश कर दिया है, और जो विकसित देश है उन्होंने अभी गलत तरीकों से बनाया हुआ है। तो इसमें हमने देखा कि विश्व व्यापार संगठन अपना काम सही से नहीं कर रहा है। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले देखते हैं विदेशी व्यापार। विदेशों से वस्तुओं को खरीदने और बेचने को विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी निवेश, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान देश में धन से उत्पादन इकाई की स्थापना करती है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी व्यापार, विदेशों से जो वस्तुओं को खरीदना और बेचना विदेशी व्यापार कहलाते हैं। विदेशों से जो हम वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं उसको विदेशी व्यापार कहा जाता है। फिर है हमारा विदेशी निवेश, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां को किसी नए देश में मेजबान देश में धन से उत्पादन इकाई की धन से नई फैक्ट्रियां और उत्पादन इकाई की स्थापना करती है, नए यूनिट्स बनाती है तो उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। इसके अंतर्गत आयात और निर्यात की दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है। इनके अंतर्गत सामान बेचा भी जाता है और खरीदा भी जाता है, दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है। विदेशी निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया पूंजी निवेश आता है। जो विदेशी निवेश है उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया पूंजी निवेश आता है। यह उत्पादन के लिए नए अवसर प्रदान करता है। विदेशी निवेश उत्पादन के लिए नए अवसर भी प्रदान करता है। यह पूंजी की कमी को भी दूर कर देता है। पैसे की कमी को दूर कर देता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहला कदम, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं, शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। आर्थिक नीतियों को उदार बनाया जा रहा है। ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं उनकी स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ कोई चीज विशेष है, वहाँ की कोई विशेषता है, तो उसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं, उस जगह पे विश्व स्तर की सुविधाएं, वैश्विक स्तर की सुविधाएं दी जा रही है। बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। फिर जो है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को स्टार्टिंग के जो 5 साल होते हैं, शुरू के जो 5 साल होते हैं, उनको कोई कर नहीं देना पड़ता है। तो ऐसे ही आकर्षित हो रही है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। फिर जो विदेशी निवेश आकर्षित करने हैं, सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। जो श्रम कानून होता है, न्यूनतम वेतन होता है, उसमें भी लचीलापन दे दिया है, उनमें भी थोड़ी सी छूट दे दी है। फिर आर्थिक नीतियों को उदार बनाया जा रहा है। जो आर्थिक नीतियां हैं उनको उदार बनाया जा रहा है। फिर है हमारा, वैश्वीकरण को न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है, वर्णन करें। तो ये हम जो है नोट्स की मदद से स्वयं करेंगे विद्यार्थी। फिर हमारा, विस्तार से बताएं भारत की शीर्ष कंपनियों को वैश्वीकरण से कैसे लाभ पहुंचा है। ये भी नोट्स की मदद से खुद करेंगे, ये हमने पीछे किया था। विदेशी व्यापार विश्व के विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ता है। इस वक्त को समर्थन के लिए
देने के लिए तर्क देना है। ये भी विद्यार्थी नोट्स की मदद से स्वयं करेंगे। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, अब भारतीय बाजार में वस्तुओं के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, वैश्वीकरण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करें। जो अब जो का जो भारतीय बाजार है उसमें वस्तुओं के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन है इसमें वैश्वीकरण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करना है। तो सबसे पहला है हमारा, उपभोक्ता के रूप में हमारे समक्ष वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प है। जो हम सामान खरीदने वाले हैं इस रूप में ही हमारे समक्ष वस्तुओं और सेवाओं के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। विश्व के शीर्षस्थ निर्माताओं द्वारा डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन, टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ है। जो विश्व के दूसरे जगहों के निर्माता हैं उनके द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन, टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ है, हमारे पास हम आसानी से मिल जाते हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं और अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीज से लेकर टेलीविजन और फलों के रस तक वृद्धि देखी जा सकती है और हमारे भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल भी देखे जाते हैं। फिर हमारा, सरकार द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। हमने ये क्वेश्चन हमने पीछे किया था। सरकार द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निम्न कदम लिए जा सकते हैं। सबसे पहला, औद्योगिक क्षेत्रों जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है की स्थापना की जा सकती है। इन क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन आदि उपलब्ध करानी होगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयों को श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति देनी होगी। नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय जब काम का दबाव अधिक हो छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को रखने की छूट देनी होगी। जो सरकार है वो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ये निम्न कदम उठा सकती है। सबसे पहले तो जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है उनमें ऐसे क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन आदि की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है। शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है। जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां हैं उनको श्रम कानून में लचीलापन लाने की अनुमति दे सकती है, छूट दे सकती है। नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय जब काम का दबाव अधिक हो छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को रखने की छूट दे सकती है। जो आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर न देने की छूट है, ये भी सरकार ने लगाया है कि कोई भी कंपनी है उसको अगर भारत में निवेश करना है तो आरंभ शुरुआत के 5 वर्षों तक इनको कोई कर देने की छूट, कोई कर नहीं देना पड़ेगा, ये छूट दिया गया है इनको। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, हम भारतीय राज्य वैश्वीकरण से लाभान्वित नहीं हुआ है। जो हर भारतीय है वो राज्य वैश्वीकरण से लाभान्वित नहीं हुआ है, इस कथन का हमें परीक्षण देना है। तो ये हमने पीछे किया था, इसे विद्यार्थी अपने नोट्स की मदद से स्वयं हल करेंगे। तो आ जाओ हम होम पे आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं का इकोनॉमिक्स SST का पाठ 4 वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था का समझा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।